सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं जिसकी मदद से आप अपने कोई भी Xiaomi स्मार्टफोन पर वन यूआई का जो नोटिफिकेशन सेट है उसको इनेबल कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से वन यूआई का नोटिफिकेशन सेट वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए गाइस मैंने रूट का यूज़ नहीं किया है, ना तो यहां पर मैंने थीम को अप्लाई किया है। यहां पर ऑफिशियली जो वन यूआई का नोटिफिकेशन सेट है उसको ही यहां पर मैंने इनेबल किया हुआ है। तो इस तरीके से ये वर्क करने वाला है। अगर आपने इसको इंस्टॉल करने के लिए कस्टम रोम या फिर दूसरी मेथड का ट्राई किया है तो आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये इजी है और इसके लिए आपको रूट या फिर थीम को इंस्टॉल नहीं करना है, बस एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से एक आपको ऐप जो मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरीके से एक लाइन आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका परमिशन वगैरह है उसको सबसे पहले तो अलाउ कर देना है। तो यहाँ से हम बारी बारी से इनका जो परमिशन है उसको अलाउ कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगा और बाद में आप जैसे ही ऐप को क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो आपको इसका जो भी परमिशन वगैरह ये मांग रहा है उसको आपने यहाँ से अलाउ कर देना है। तो अभी हमारा काम जो हो चुका है, अभी आपको यहाँ से बैक प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ से बैक प्रेस करेंगे ये अनेबल हो चुका है। अभी आपने यहाँ से अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन सेट है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर आप इस ऐप को बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ से वापस से जो ऐप इन्फो है उसके अंदर आना है। यहाँ पर ऑटो स्टार्ट का जो परमिशन है उसको आपने अलाउ कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो आपका जो Xiaomi UI का जो नोटिफिकेशन सेट है वो वापस से आ जाएगा, पर थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप अपना फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे या फिर बंद कर देते हैं फिर भी ये जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो इस तरीके से गाइज आप अपने कोई भी Xiaomi स्मार्टफोन पर वन यूआई का नोटिफिकेशन सेट है उसको इनेबल कर सकते हैं। आशा करता हूँ गाइज आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर गाइज आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गाइस ऐसे और भी नए नए ट्रिक्स के लिए, वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।